हेलो दोस्तों, गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, मैं समय समय पर आप लोगों को खेती से जुड़ी जो बातें रहती है उसको बताते रहते हैं, और खेती कैसे करते हैं उसको बताते रहते हैं। दोस्तों देखिए, ये है मकई का पौधा जिसमें मकई हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं और इसी के संदर्भ में चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं एक नई खेती, नई सब्जी की को दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है ये अभी इसमें दवा दिया गया है, कीटनाशक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये बोदी है, हम लोग झारखंडी भाषा में बोदी बोलते हैं, और अन्य भाषा में क्या बोलते हैं ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये देखिए बहुत दूर तक बना लगाया हुआ है। देखिए, और हमारे भाई किसान भाई इसमें दवाई कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका पत्ता, देखिए ये पत्ता जो है दवा दिया हुआ है, हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन आपको दिखा रही है, ये जो है देखिए, ये जो है ये पत्ता सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ने के कारण से इसमें बीमारी आ जाएगी, और बीमारी आने से सही से पैदावार नहीं होगी, जिसके कारण से किसान को नुकसान होगा, इसलिए इसमें कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं। चलिए आगे और दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहे थे आप लोगों को कि देखिए कि हमारे किसान भाई दवा का छिड़काव कर रहे हैं, और ये देखिए ये जो है दवा बना रहे हैं छिड़कने वाले। ये हमारे भाई किसान भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? दया महतो। दया महतो सर, ये जो आप यहाँ जो छिड़काव कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, किस कारण दे रहे हैं? कीड़ा लग रहा है या पत्ता सिकुड़ रहा है, इसके कारण से दे रहे हैं आप लोग? कीड़ा भी लग रहा है, और मतलब क्या बोलेंगे, पत्ता जो है सो सिकुड़ गया है। अच्छा, तो इसको दीजिएगा तो ये पत्ता भी सीधा हो जाएगा और पैदावार भी बढ़ेगी ना? हाँ, लेकिन देखिए ठीक होगा तब तो बढ़ेगा। अच्छा। अभी तो दवा छिड़काव कर रहे हैं, इसमें लोहा रोग लग गया है। लोहा रोग बोलते हैं इसको? मतलब पत्ता काला हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये बताए अभी कि लोहा रोग बोलते हैं इसको। तो यही तो है, देखिए है, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, देखिए। तो कैसे ठीक होगा? देखिए ये लोहा रोग है, और ये दवा दे रहे हैं। देखिए दवा दिखाइए थोड़ा सा, कौन दवा दे रहे हैं? ये तो टारबो दे रहे हैं, कीड़ा मार। अच्छा, इसमें माइट वगैरह चला रहे हैं, एडमार जंप। ये दवा दया भाई के हम खेत में अगला सीजन में आए थे तो देखे थे कि जो आप लोग देख रहे हो खाली खाली जो परती खेत है उसमें अगला सीजन में बहुत बड़ा बड़ा कदुआ था, वही उसी को देखने के लिए हम फिर आए इन साल, लेकिन बोल रहे हैं कि परसल नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इन साल नहीं लगाएं, लेकिन इन साल रेट अच्छा है। तो दया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ठीक है, फिर आपके हम आते रहे, जानकारी लेते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, खेत से पार होने के बाद कुछ एक खाली घर दिख रहा है, हमको लगता है सरकारी भवन है, क्या है चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, ये खाली भवन में हम आ गए हैं। देखिए खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं है, टूटा फटा है, ये सरकारी भवन रहा होगा कुछ, आदमी सब उखाड़ के सवाड़ के ले गए। देखिए पूरा खाली है, और देखिए ये सब पूरा खाली है, कबाड़ बना दिया गया इसमें। ये जो है बोर्ड का हिसाब से लगता है कि छोटा मोटा स्कूल है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा कमरा में क्या है। देखिए ये भी है, इसे बोर्ड है, सरकार का पैसा का सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ, पूरा कबाड़ के ले गए और पूरा खाली है। और देखिए ये मैदान है, इसमें फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। देखिए तो
थैंक यू दोस्तों, गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।